नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अनसाल्व चल रहा था और अनसाल्व जो था 348 GG में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, जिसमें नंबर 1 का है जीवन की उत्पत्ति, खा है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन या आदि मानव, और गा है संक्रामक रोग, और घा है डार्विनवाद। इसमें से हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। पहले हम लोग जीवन की उत्पत्ति सॉल्व करेंगे, उसके बाद आदिमानव, उसके बाद संक्रामक रोग, उसके बाद डार्विनवाद। तो आइए देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति, तो आपको इसमें पढ़ना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे शुरू हुई, ब्रह्मांड से हुई या किससे हुई या कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से हुई। तो इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों का मत है। तो इसमें देखेंगे जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। कितने वर्ष पहले? 400 वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित सिद्धांत हैं। यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित सिद्धांत हैं। नंबर 1 है स्पोर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? स्पोर सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि स्पोर के माध्यम से क्या हुआ, ब्रह्मांड में कुछ कॉस्मिक कण आए जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरा है स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद, इसके अनुसार कुछ कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसे स्वतः जननवाद कहा गया, इससे जीवन की उत्पत्ति हुई। तीसरा ओपेरिन या हाल्डेन सिद्धांत। इस सिद्धांत को रूस के वैज्ञानिक ए आई ऑपरिन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक यस हाल्डेन ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार महासागर से जीवन का प्रारंभ हुआ। ओपेरिन के अनुसार और हाल्डेन के अनुसार क्या हुआ कि जो भी जीवों की उत्पत्ति हुई, किसी भी जीव का जो प्रारंभ हुआ, किससे हुआ? महासागर से हुआ। अगला है मिलर सिद्धांत। क्या है? मिलर सिद्धांत। इस सिद्धांत को मिलर ने 1953 में अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। इन्होंने एक फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन व हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी में भाप के साथ ही 800 अंश सेंटीग्रेड पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग कराया। प्रयोगों के 18 दिन बाद एक फ्लास्क में जो द्रव पाया गया, उसका विश्लेषण करने पर उसमें ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल जैसे सरल अमीनो अम्ल पाए गए। यानी जो भी मिलर थे, उन्होंने फ्लास्क लिया था, 800 सेंटीग्रेड पर गर्म किया और 18 दिन तक गर्म किया। उसके बाद जो छोटा फ्लास्क था युगाकार का, उसमें कुछ क्या कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न हुए, बैठ गए उसके नीचे, जिसमें ग्लाइसिन था, एलिनिन था, एस्पार्टिक अम्ल था। तो मिलर के अनुसार बताया गया कि जो भी जीवों की उत्पत्ति हुई, वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, तो आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति का पूर्ण रूप से हो गया था। आप जीवन की उत्पत्ति से क्या समझते हैं? अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में खा भी है। क्या है? खा ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदिमानव। तो आप देखेंगे खा में आपको समझना है कि इससे आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदिमानव क्या होते थे। तो आप पहले जानते थे कि पहले जो मानव थे, आदिमानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो कैसे, इसमें क्या विशेषता या कैसे थे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आदिमानव, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन लेट मियोसिन उपयुग में पाए गए। कहाँ पाए गए? उपयुग में पाए गए, यानी आदिमानव उपयुग में पाए गए। और द्विपाद थे उनके, कितने थे? 2 पाद थे, 2 पैर वाले थे, और मनुष्यों के समान दांत वाले थे, लेकिन उनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक गैर मानव बानरों की तुलना में बहुत बड़ा नहीं था।
होमोजीनस की तुलना में इनका मस्तिष्क विकास के साथ था। किसके साथ था? मस्तिष्क विकास के साथ था। आप देखेंगे आदि मानव की उत्पत्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर, नंबर एक है आदि मानव का इतिहास लगभग 40 हजार वर्ष लाख पुराना है। कितना पुराना है? 40 हजार वर्ष लाख पुराना है आदि मानव का। दूसरा है आदि मानव को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। चौथा पॉइंट है आदि मानव भोजन की तलाश में जंगलों में घूमा करते थे। पांचवा है आदि मानव जंगल में रहने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का और खा समाप्त हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोग देख रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति आप लोगों का समाप्त हो गया, आदि मानव आप लोगों का समाप्त हो गया, तीसरा था आपका संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग आप जानते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो जाते हैं। संक्रामक रोग के जैसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब क्या होते हैं? संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। संक्रामक रोग को आपको 348 GH में आपको संक्रामक रोग पर टिप्पणी बताया गया है, इसलिए मैं संक्रामक रोग पर यहाँ संक्रामक रोग नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। आपका चौथे का घा है डार्विनवाद। क्या है? डार्विनवाद। तो चौथा का घा है, आज हम लोग इसमें डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं इस पर हम लोग बताएंगे। देखिए कि 1858 में इंग्लैंड की शोध पत्रिका जिसमें क्या है, प्रोसीडिंग ऑफ द सीनियन सोसाइटी में डार्विन ने अपने वैलेस के संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना को छपने के लिए भेजा। किसने भेजा? प्रोसीडिंग ऑफ द सीनियन सोसाइटी में। इसे डार्विन वैलेस का प्राकृतिक चयनवाद कहा गया। क्या कहा गया? डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद कहा गया। सन 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसके दो प्रमुख भाग थे। कितने प्रमुख भाग थे? दो प्रमुख भाग थे जो उन्होंने जातियों की उत्पत्ति नामक क्या क्या था पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें है नंबर एक समान पूर्वज से परिवर्तन के साथ अवतरण, दूसरा क्या था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। आप देख रहे हैं डार्विन ने ब्रिटिश सरकार के बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर, कोई पूछेगा कि जो डार्विन थे उस किस जहाज से अपना सर्वेक्षण किया था, तो बीगल नामक जहाज से अपना सर्वेक्षण किया था। जहाज पर प्रकृत वैज्ञानिक के रूप में विश्व भ्रमण के लिए गए। कहाँ गए? विश्व भ्रमण के लिए गए बीगल जहाज से। 5 वर्ष तक इन्होंने अनेकों द्वीपों एवं महाद्वीपों से अनेक जीव जंतुओं, चट्टानों और जीवाश्मों को एकत्रित किया। 5 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? द्वीपों महाद्वीपों से अनेक जीव जंतुओं एवं चट्टानों और जीवाश्मों को एकत्रित किया। डार्विनवाद निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है, वो भी देख लेंगे कि जो डार्विनवाद था किन तथ्यों पर आधारित है। नंबर एक था जीवों प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, यानी क्या था? जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्या होती क्षमता पाई जाती है। जीवन संघर्ष, बिना जीवन संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, तीसरा है विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, विभिन्नता भी पाई जाती है जीवों में, और आनुवंशिकता होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं। चौथा है समर्थ तथा जीवत्व तथा प्राकृतिक चयन। पांचवा है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, और छठवां है नए जातियों की उत्पत्ति। इस तरीके से आप लोगों का छठवां क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस तरीके से आप लोगों का क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।